बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपके साथ 30 ऐसी चीज़ों की लिस्ट शेयर करने जा रहा हूं कि जब भी आप बाय एयर सफ़र करने जा रहे होंगे तो आपके ये जहन में 30 चीज़ें होनी चाहिए। इनमें से 16 चीज़ें ऐसी हैं जो आप हैंड कैरी में नहीं रख सकते बल्कि आप लगेज में रख सकते हैं, और 14 चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने पास ना तो लगेज में रख सकते हैं ना हैंड कैरी में, जो मुकम्मल तौर पर अलाउ नहीं है। इनमें से अक्सर चीज़ें ऐसी होंगी जिनके नाम भी शायद आप पहली बार सुनेंगे, लेकिन 30 आइटम्स हैं जिनमें से हो सकता है अगर 5-7 आइटम्स भी जिनसे आपको कोई वास्ता पड़ता हो या कभी ले जाना पड़े या कभी ले के गए हों, तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे हर एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, उसका नाम बताऊंगा और साथ में उसकी तस्वीर भी दिखाता जाऊंगा, ताकि जो लोग नाम से वाकिफ़ नहीं है कम से कम उस तस्वीर से उनको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैंड कैरी में अलाउ हैं और कौन सी ये चीज़ें हैं वो हैंड कैरी में अलाउ नहीं हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि आप अपने सामान में कहीं रख भी नहीं सकते। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से बताते हैं। मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी एक लिस्ट तैयार कर ली है और आप लोगों के साथ एक एक चीज़ के बारे में बताऊँगा। आप में से जो पढ़े लिखे लोग हैं इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद चीज़ें देख लें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, लेकिन जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं इसको नहीं समझ पा रहे कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो मैं आपके साथ एक एक चीज़ तस्वीरों की सूरत में शेयर करूँगा। यहाँ से मैंने पहले वाले को कॉपी कर लिया, इसमें जाके मैं गूगल में डालता हूँ इसको, और यहाँ पर इसको करते हैं सर्च, और यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी तस्वीर जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगी कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ थी ये थी छुरी चाकू। छुरी चाकू आप अपने पास नहीं रख सकते। चलते हैं दूसरा क्या है, दूसरा आपको दिखाते हैं ये है कंप्रेस्ड गैसेस। लेकिन एक चीज़ दोबारा से यहाँ पे दोहराता जाऊँ कि ये वो वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ, ये आप अपने हैंड कैरी में नहीं रख सकते, लेकिन इसे आप अपने लगेज में यानी बड़े बैग में रख सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, वो ममनू नहीं है। दूसरे नंबर पे है ये कंप्रेस्ड गैसेज हैं। कंप्रेस्ड गैस किसी भी किस्म की जो गैस है अगर किसी सिलेंडर में किसी ऐसी बोतल में है तो फिर आप उसने पास नहीं रख सकते, क्योंकि एक मशकूक गैस हो सकती है, हो सकता है जहाज़ के अंदर कोई उसे खोल दे और उसकी वजह से नुकसान हो, इस वजह से उसे यहाँ पर यानी हैंड कैरी में रखना ममनू है, आप हैंड कैरी में नहीं रख सकते। जो तीसरे नंबर पे है वो भी आपको दिखा देते हैं, ये ऐसे लिक्विड हैं जिनकी वजह से किसी भी किस्म का कोई धमाका हो सकता है, जो ब्लास्ट हो सकते हैं, जिनकी वजह से आग लग सकती है। तो इस तरह के जितने भी लिक्विड हैं वो चाहे बोतल में हो या किसी भी ऐसी चीज़ में हो, तो वो आपको अलाउ नहीं है, आप अपने पास नहीं रख सकते। पॉइजन लिक्विड के बाद आ जाता है ब्लेड। अब किसी भी किस्म का ब्लेड आप अपने पास हैंड कैरी में नहीं रख सकते, लेकिन दूसरी जानिब आप लगेज में उसे रख सकते हैं। जो भी ब्लेड तेज़ धार आला होता है काटने के लिए, छोटा ब्लेड हो या बड़ा ब्लेड हो, इसमें ये शर्त नहीं होती, हर किस्म का ब्लेड अलाउ नहीं है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट बास्केटबॉल बैट्स। ये बहुत अहम चीज़ है, बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है, जिस तरह लोग बैट वगैरह और इस तरह की चीज़ें लेके चले जाते हैं, तो उनके लिए भी एक अहम चीज़ है कि अगर आप लकड़ी का कोई ऐसी चीज़ जिस तरह ये बास्केटबॉल का बैट है या इस तरह का कोई और लकड़ी का भी कोई भी चाहे वो खिलौना टाइप हो, तो वो भी अलाउ नहीं है, जिसकी वजह से किसी बंदे को ज़ख्मी किया जा सकता हो या किसी को मारा जा सकता हो, तो ये भी अलाउ नहीं है। ये अक्सर लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है। एक और है ये है स्केटबोर्ड्स। स्केटबोर्ड जो है ये आमतौर पे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहुत सारे लोग अपने मुल्क जब छुट्टी जा रहे होते हैं तो हो सकता है बच्चों की फरमाइश हो, किसी की फरमाइश हो, तो उसके लिए ये आप अपने पास नहीं रख सकते। लगेज में आप रख सकते हैं, लेकिन लगेज में भी जाके बताऊंगा कि इस बारे में जो अहकाम हैं वो अलहदा से थोड़े से मुख्तलिफ भी हैं। ये स्केटबोर्ड है, ये अलाउ नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो किसी भी किस्म का धमाका कर सकती हैं, तो वो चीज़ भी आपको अलाउ नहीं है, चाहे वो खिलौना ही क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ पर आके जाके इसने बात की है क्रैकर्स की, जो पटाखे होते हैं, अगर कोई बच्चों के लिए शौकी तौर पे कहीं से कोई लेके जाना चाह रहा है तो आप उनको हैंड कैरी में नहीं रख सकते। यहाँ पे क्रैकर्स इसने ओपन कर दिया, यहाँ पे कुछ और बहरहाल ये पटाखे हैं, आप नहीं रख सकते अपने हैंड कैरी में। और उसके बाद है यानी जितने भी असला है, आतशी असला इसको कहते हैं, इसमें जितना भी असला है, जिस किस्म का भी असला है। एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि यहाँ पर खिलौना भी आपको अलाउ नहीं है, अगर इस तरह का कोई खिलौना भी आपके पास है तो वो अलाउ नहीं है, आप अपने बैग में नहीं रख सकते। उसके बाद मैग्नेटिक, ये बहुत अहम चीज़ है कि मैग्नेट के जितने भी मटेरियल हैं वो अलाउ नहीं है। हालांकि इसमें कोई सोचने समझने वाली बात भी नहीं है कि इसमें क्या हो सकता है, लेकिन मैग्नेट का कोई भी मटेरियल आपके पास नहीं होना चाहिए, हैंड कैरी में नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रेडियो एक्टिव आर कॉरेसिव मटेरियल्स। अगर लफ्ज़ पढ़ने में कोई गलती हुई तो माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर भी आपको बता देते हैं कि कोई भी ऐसे आलात, आई थिंक वो चीज़ें हैं कि जो सिग्नल्स को डिस्टर्ब करती हैं। अगर जहाज़ के अंदर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो सिग्नल्स को, कोई ऐसी डिवाइस है जो सिग्नल्स को डिस्टर्ब करती हो, तो ऐसी चीज़ अलाउ नहीं है। उसके बाद आ जाता है इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें छोटे छोटे आलात ऐसे आ जाते हैं जो मेंटेनेंस में काम आते हैं। कोई हथौड़ी हो गई, कोई पेचकस हो गया, या इससे मुतल्लिका छोटी छोटी जो मशीनरीज हैं, छोटी चीज़ें जिस तरह ड्रिल मशीन हो गई या कोई और इस तरह की चीज़, तो इस तरह की चीज़ें भी आपको अलाउ नहीं है। उसके बाद नेल क्लिपर्स, ये बहुत अहम चीज़ है कि अगर आप नेल कटर अपने पास रखेंगे तो वो भी आपको अलाउ नहीं है। छोटी सी छोटी चीज़, छोटे से छोटा ब्लेड या छोटी से छोटी ऐसी चीज़ जो काटने के काम आए, तो ऐसी चीज़ आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और उसके बाद आ जाता है शीयर्स, यानी कोई भी कैंची या कटर इस तरह का आपको अलाउ नहीं है। और उसके बाद आ जाता है नंबर मीट क्लीवर्स का, यानी आम लफ्ज़ों में उसे आप टोका कह लें, जो गोश्त काटने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो भी अलाउ नहीं है। काटने के लिए तो कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है, छोटे से छोटा ब्लेड भी अलाउ नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं एमिनेशन, जितना भी असला है, जितना भी बारूदी मवाद है, वो अलाउ नहीं है, आप अपने पास हैंड कैरी में नहीं रख सकते। ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो हैंड कैरी के मुतल्लिका आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताई हैं। और अभी हम बात करेंगे वो चीज़ें जो कि हैंड कैरी तो क्या आपके लगेज में भी, बड़े बैग में भी अलाउ नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, अक्सर चीज़ें आपके काम की इसमें नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, ये है इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस, जो करंट लगाने वाली मशीन होती है, छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं, वो वाली अलाउ नहीं है। और साथ में ज़्यादातर इसमें वो चीज़ें हैं जो एटॉमिक में आ जाती हैं, एटमी जो जितने भी फार्मूले होते हैं उनमें आ जाती हैं। ऐसे मटेरियल्स जो मुख्तलिफ मटेरियल मिला के कोई एक नई चीज़ बन जाती हो, ख़तरनाक चीज़ बन जाती हो, ऐसे मटेरियल्स को अलाउ नहीं किया गया। इसी तरह यहाँ पर माचिस और लाइटर जो है, इसको अलाउ नहीं किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी ऐसा मटेरियल जिससे आग लगती हो, वो भी अलाउ नहीं है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक स्केट बोर्ड जो हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्केट बोर्ड अलाउ नहीं है जहाज़ के अंदर, लेकिन वो हैंड कैरी और जहाज़ में के अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन ये जो है ऑटोमेटिक स्केट बोर्ड हैं, ये भी अलाउ नहीं है जहाज़ के अंदर, आपके लगेज के अंदर, आपके सामान के अंदर, ये बिल्कुल ही ममनू है, ये आप अपने पास नहीं रख सकते। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।